अस्सलामुअलैकुम गाइस गाइस, आज हम फिर पहुंच चुके हैं अपनी उसी पुरानी जगह पे। गाइस आज हम अपनी इस वीडियो में आपको वही मकान दिखाने वाले हैं जो अपनी जगह से चल के दूसरी जगह पहुंच चुका है। इस टाइम अपनी जो असल जगह थी उसी जगह पे वो पहुंच चुका है। तो हम आपको सारा प्रोसेस अपनी इस वीडियो में दिखाएँगे कि इस मकान को कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट किया गया है। ये जस्ट हमारे बैग में फैज़ाबाद लखनऊ नेशनल हाईवे है और यहाँ पे हमारे फहीम भाई खड़े हुए हैं। ये मकान पहले आप देखिए, चारों तरफ का व्यू देख लीजिए यहाँ का। ये चारों तरफ का व्यू है, अभी काम चल रहा है। तो ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो आएगी। तो फ़िलहाल अब हम चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं सारा प्रोसेस कि पहले ये मकान कहाँ था, अब कहाँ पहुँच चुका है। तो बस आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। गाइस आप देख सकते हैं इस मकान को कि ये नेशनल हाईवे से कितना पास है और सर्विस रोड से तो बिल्कुल ही टच है। तो गाइस इस मकान को यहाँ से 75 फीट पीछे शिफ्ट किया जाएगा। दोस्तों आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे है जो कि फ्यूचर में 6 लाइन होने वाली है, जिसकी वजह से इस मकान को शिफ्ट किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में इस मकान को कोई नुकसान ना हो। मकान को शिफ्ट कराने में काफ़ी कम खर्च आता है, जबकि बने हुए मकान को तोड़कर फिर उसको नए सिरे से बनाना, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। अभी हम आपको अंदर लेकर चल रहे हैं, आप खुद ही देखिए कि इन्होंने पूरे मकान को किस तरह जग पे उठा रखा है। आप यहाँ देखिए, ये तकरीबन 300 जैक लगे हुए हैं और पूरे मकान को इसी जैक पे उठा रखा है इन्होंने। फाउंडेशन पर सारे जैक रखे हुए हैं, उसी जैक पर ये पूरा मकान टिका हुआ है। ये ज़मीन से बिल्कुल भी अब टच नहीं इस टाइम, बल्कि ये पूरा का पूरा जैक पर टिका हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं। चलिए अब अंदर से भी नज़ारा कर लेते हैं, यहाँ से देखते हैं कि किस तरह ये मकान दिखता है जैक पे टिका हुआ। आप देखिए ये अंदर का नज़ारा है। हम और पास से जैक को देखते हैं। पहले आप देखिए, सबसे ऊपर लकड़ी लगी हुई है, फिर उसके नीचे जस्ट जैक लगा हुआ है और इस जैक में आपको पहिए भी नज़र आएंगे जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। सारे जैक में पहिए लगी हुई हैं और ये जैक लोहे की पटरी के ऊपर रखे हुए हैं और लोहे की पटरी के नीचे लकड़ी रखी हुई है और ये सारी लकड़ियाँ फाउंडेशन पर रखी हुई हैं। हाँ दोस्तों, अब आप यहाँ देखिए, ये लोग इसी तरह मकान शिफ्ट करते हैं, इंच बाय इंच ये शिफ्ट करते रहते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मकान शिफ्ट हो रहा है और ये लोग कुछ घंटों में मकान को 8 से 10 इंच शिफ्ट कर देते हैं। अब आप यहाँ ज़रा गौर से देखिए, ये मकान तकरीबन अपनी जगह से 2 फुट पीछे शिफ्ट हो चुका है। नंबर एक लगाओ चिट्ठे पे, नंबर लगाओ भाई, नंबर नंबर दो मारो लाल निशान पे। ये इनका कोड है, ये कोड है इनका, कोड यूज कर रहे हैं ये। आप यहाँ एक फाउंडेशन देख रहे हैं, एक ढांचा बना हुआ है, ये लोग इसी फाउंडेशन पर मकान को शिफ्ट कर देंगे। पहले इन्होंने मकान को लिफ्ट किया और आपने देखा कि ये शिफ्ट भी कर रहे हैं धीरे धीरे, और अभी आप वीडियो में आगे देखेंगे कि इन्होंने इस फाउंडेशन पर इस मकान को फिट भी कर दिया है। दोस्तों अभी हमने आपको शुरू में दिखाया था कि ये मकान सर्विस रोड से बिल्कुल टच में था, अब आप देखिए ये काफ़ी दूर पहुंच चुका है सर्विस रोड से और ये तकरीबन 25 फुट अपनी जगह से पीछे शिफ्ट हो चुका है। दोस्तों इसको यहाँ तक शिफ्ट होने में 2 से 2.5 महीने लगे और अभी तकरीबन 55 फुट और पीछे शिफ्ट होगा ये मकान। गाइस इस मकान को 75 फीट पीछे होने में कम से कम 6 से 7 महीने लग गए और इस टाइम ये मकान अपनी असल जगह पे पहुंच चुका है, शिफ्ट हो चुका है। आप देख ही सकते हैं कि पहले मकान कहां पे था और इस टाइम कहां पे है। ये अपनी जगह से 75 फुट पीछे हुआ है। हमारे पीछे जो वाल देख रहे हैं, पहले मकान ये यहीं पे था, अब आप देख लें कितनी दूर आ चुका है, ये सेफली अपनी जगह पे पहुंच चुका है। तो दोस्तों आप यहां भी देख सकते हैं, ये मकान का पिछला हिस्सा है जो कि पिलर सारे ज़मीन के अंदर जा चुके हैं
और मिट्टी से सारे पिलर्स की पटाई कर दी गई है। अगर बड़ा मकान है दोस्तों तो मकान को शिफ्ट कराने में थोड़ी बहुत दरारें आ जाती हैं, जैसा कि आप इस मकान में देख सकते हैं, कुछ जगह दरारें आ गई थी तो फिर से रिपेयरिंग का काम यहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हैं। तो गाइस जब इस मकान का सारा डेंटिंग पेंटिंग का काम कम्प्लीट हो जाएगा तो हम आपको फिर यहाँ का विजिट कराएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कुछ कहना हो तो कमेंट भी करें। दोस्तों इस छोटी सी वीडियो को बनाने में कम से कम 7 से 8 महीने लग गए ये सारा प्रोसेस दिखाने में आपको। इससे पहले भी हमने इस मकान के ऊपर 2 वीडियो बनाई है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस हमने इस छोटी सी वीडियो में सारा प्रोसेस आपको दिखा दिया कि किस तरह मकान को लिफ्ट और शिफ्ट करते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।